आज शुरू करेंगे 30x50 का हाउस प्लान। तो देखिए आप, ये प्लान आपको अपने ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट को पूरा करने में फुल हेल्प मिलेगा। इसमें इसका कॉलम साइज क्या रहेगा, रखते रहिए। Thank you.
हाँ चलो। देखिए मैं इसका वेंटिलेशन कर रहा हूँ। वेंटिलेशन इसमें ऑप्शनल है गाइस, आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन देखिए, ये प्लॉट है 30x50 का। शुरू करते हैं इससे, बेडरूम नंबर फर्स्ट। एलेवन फीट सिक्स इंच इंटू 16 फीट, ये हो गया अपना स्टोर। 6 फीट इंटू 3 फीट 9 इंच, ये टॉयलेट हो गया इस बेडरूम से अटैच्ड। 6 फीट इंटू 3 फीट 9 इंच, ये हो गया अपना किचन। 10 फीट इंटू 8 फीट, ये अपना डाइनिंग। 16 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट 6 इंच, ये पैसेज। ये हो गया अपना लिविंग कम लिविंग कम ड्राइंग बुक। सिक्सटीन फीट 4 इंच इंटू 14 फीट 6 इंच, ये हो गया अपना बेडरूम नंबर टू। एलेवन फीट 6 इंच इंटू 10 फीट
ये इस बेडरूम से अटैच्ड टॉयलेट, 6 फीट इंटू 4 फीट, ये हो गया बेडरूम नंबर 3। एलेवन फीट सिक्स इंच इंटू 10 फीट, ये हो गया अपना पार्किंग, 16 फीट 6 इंच इंटू 19 फीट 9 इंच, ये अपना मेन गेट। यहाँ से मेन गेट, यहाँ से एंट्रेंस, इसमें आपका कॉलम का साइज आएगा गाइस। कॉलम साइज 12 इंटू 16 का, और वॉल साइज 10 mm, आउटर एंड 5 mm इनर वॉल। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आएगा 16 to 20 लाख। तो यही है आज का प्लान गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आपको इसका 3D मॉडल भी दिखाता हूँ गाइस। चलिए 3D मॉडल देखते हैं। तो देखिए, मैंने इसका 3D मॉडल बना के तैयार किया है, जो आपका घर बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका मेन गेट हो गया, यहाँ कार पार्किंग, जिसका स्पेस मैंने रखा है 16 फीट 6 इंच बाय 19 फीट 9 इंच। ये हो गया सर्कुलर स्टेयर, मैंने सर्कुलर स्टेयर रखा है, आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद से ये फर्स्ट बेडरूम 11 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का, और ये इस बेडरूम से अटैच्ड टॉयलेट, जो कि 6 फीट 4 इंच का है। उसके बाद से ये अपना सेकंड बेडरूम 11 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का है, और ये हो गया अपना लिविंग कम डाइनिंग, इसको मैंने रखा है 16 फीट 4 इंच बाय 14 फीट 6 इंच। ये हो गया हमारा थर्ड बेडरूम, जिसको मैंने रखा है 11 फीट 6 इंच इंटू 16 फीट। उसके बाद से ये हो गया अपना डाइनिंग, इसका डायमेंशन है 16 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट 6 इंच। ये हो गया इस बेडरूम से अटैच्ड टॉयलेट, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये इस बेडरूम से अटैच्ड टॉयलेट, उसके बाद से ये हो गया अपना किचन, जिसका स्पेस है 10 फीट 8 इंच, और ये छोटा सा मैंने स्टोर रखा है यहाँ पे, जिसमें आप अपना सामान कुछ रख सकते हैं। तो यही है आज का प्लान गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सिविल इंजीनियर बहाट।